जरा सोच के देखिए कि जिस धरती पे आप रहते हैं उसके अंदर का जो कोर है, जिसके ऊपर हमारी यह धरती क्या है टिकी हुई है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, और वह कोर जिस दिशा में घूम रहा है, और आने वाले वक्त में क्या हो, 17 साल बाद अगर यह हो कि वही कोर क्या करे, अपने दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगे, तो जरा सोच के देखिए क्या होगा, क्या होगा इसको हम समझेंगे, और हम यह भी जानेंगे कि किस तरीके से क्या होगा जो हमारे धरती का ये जो कोर है वो क्या होगा, अपने दिशा के उल्टी अवस्था में घूमेगा, उल्टे डायरेक्शन में घूमेगा। कैसे घूमेगा इसको हम समझेंगे, और समझेंगे कि, और ये भी समझेंगे कि क्यों ये जो कोर होता है अपने अंदर हमारे धरती के अंदर घूमता है, जबकि इसके ऊपर और भी सतह होती है वो नहीं घूमता, लेकिन ये कोर जो होता है एक बॉल की तरह बन के क्यों ये घूमता है, और क्या वजह है कि 17 साल बाद क्या होगा कि यही कोर अपने डायरेक्शन का उल्टा घूमने लगेगा, और इसकी वजह से क्या क्या हमारे धरती के ऊपर प्रभाव आएगा, हमारे ऊपर क्या प्रभाव आएगा इसको हम समझेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नेचर जर्नल है उन्होंने क्या किया है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि आने वाले वक्त में 17 साल बाद क्या होगा कि हमारे जो धरती का कोर है वो उल्टा घूमने लगेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जो हमारे धरती का कोर है ये लगभग लगभग लोहे से बना हुआ होता है, पूरी तरीके से बना होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है, जो हमारे सूर्य का टेम्परेचर है, जो हमारे सन का टेम्परेचर है, उसके बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, इसके कई सारे क्या होते हैं, इसके वो होते हैं लेयर्स होते हैं, और ये जो होता है बॉल की तरह होता है, ये किससे बना होता है, आयरन और निकल से, ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये धातु से बना होता है, काफी ठोस होता है और उतना ही ज्यादा गर्म होता है। ये क्यों उल्टा घूमेगा, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कैसे हमको पता चला हमारे धरती के अंदर कोर है। देखिए 1936 में क्या था दोस्तों कि डच साइंटिस्ट है जिनका नाम था एंगेलेमैन था, इन्होंने क्या किया था, पहली बार ये बताया था कि हमारे धरती के अंदर क्या है, कोर है। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, जब धीरे धीरे वक्त बीता, जब भूकंप आने लगे हल्का हल्का, जब लावा फटने लगा, तब जाके क्या हुआ, लोगों को एहसास होने लगा कि जो धरती के अंदर कोर है वो क्या होता है, घूमता भी है, एक रोटेशन में ये घूमता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो बीजिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां के जो साइंटिस्ट हैं, जो बीजिंग पिकिंग यूनिवर्सिटी है, वहां के जो साइंटिस्ट हैं, इस पे लगातार शोध करते हैं, और शोध के बाद ये बताते हैं कि ये जो क्या होता है कोर होता है, हर 70 साल के बाद क्या होता है, ये अपने दिशा के उल्टा घूमना शुरू करता है। इन्होंने इसमें यह भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि यह बहुत तेजी से घूमता रहता है, इन्होंने समझाया है एक आंकड़े से, मैं आपको बताता हूं यहां पे, एक सेकेंड दोस्तों, यहां पे क्या होता है दोस्तों कि देखिए उन्होंने बोला कि जैसे कोर है, मान लीजिए कि यहां पे 19 टाइम को कौन सा है, यहां पे जो वक्त है मान लीजिए 1900 चल रहा है, अब क्या होता है मान लीजिए कि रुक गया है, अब क्या होगा, ये चलना चालू होगा, तो मान लीजिए 70 साल तक इसको चलना है, जिसमें से ये 2 साल क्या करता है, ब्रेक लेता है। मैं आपको समझाता हूं, ये क्या होगा कि 1900 से मतलब चलना शुरू हुआ, ये चलते 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 क्या होगा, पहले स्पीड बढ़ेगी, इसको सालों कई साल तो लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या होता है इस कोर की स्पीड बढ़ने में, फिर धीरे 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 क्या होता है कि अपनी ये पीक स्पीड पे आता है, थोड़ी सी इसकी इसकी जो स्पीड होती है क्या होती है, बढ़ जाती है, और जैसे ये 70 साल इसका पूरा होता है, ये क्या होता है थोड़ा सा घूमते घूमते क्या होता है रोटेशन करते करते धीरे 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 रुकने लगता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि लगभग ये 2 साल तक का क्या होता है, ब्रेक लेता है, उस दौरान क्या होता है ये पूरी तरीके से रुक जाता है, और फिर से क्या होता है इसके अंदर हलचल होती है, और जिस दिशा में ये अगर घूम रहा है तो ये क्या होगा उसके अपोजिट दिशा में क्या होगा, धीरे 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 घूमना शुरू कर देगा। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इसकी वजह से क्या होगा, कोई तबाही नहीं आएगी, लेकिन 2 चीजें ऐसी होंगी जिससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। पहला दिक्कत यह है कि इसमें क्या होगा कि जो जब ये घूमना शुरू करेगा 17 साल बाद, मतलब 19 सॉरी मतलब, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसमें 2023 चल रहा है, और 17 साल अगर इसमें जोड़ दें तो लगभग 2040 के आसपास क्या होगा कि ये अपनी उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा, और उसी दौरान दोस्तों ये होगा कि पहले दिन में हल्के हल्के भूकंप के झटके आएंगे। मे भी इन्होंने जताया है कि जब ऐसा होगा तो मे भी भूकंप के जो झटके हैं ज्यादा आए, नॉर्मल जो जो नॉर्मली भूकंप के झटके आते हैं उनके कंपेयर में। दूसरा यह होगा कि जो दिन का टाइम होता है, ठीक है, जो दिन का टाइम होता है इसमें क्या होगा, कुछ मिली सेकेंड जो वक्त होता है कम हो जाए। बहुत बार आपने सुना होगा कि धरती का वक्त कम हो चुका है, धरती का वक्त 1 सेकेंड घट गया, ये हो गया, तो उस दौरान यह भी होगा कि जब ये उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा तो वहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा कुछ
सेकेंड मिली सेकेंड क्या होगा, वक्त घट जाएगा। ये दो चीजें होंगी, और क्या होंगी पूरी तरीके से वैज्ञानिक अभी नहीं बता सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक चीज ये बता दूं कि आसमान में झांक के आप देख सकते हैं, यहां से बिलियन लाइट ईयर आप दूर जाके देख सकते हैं, लेकिन सोचिए हमारी जो धरती है कुछ हजार किलोमीटर की जो दूरी है उसके अंदर हम नहीं झांक के देख सकते, क्योंकि वहां तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम उसकी खुदाई कर सके, वहां पर जा सके। और जैसे जैसे होता यह है कि जैसे जैसे आप धरती के अंदर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, ग्रेविटी काम करना कम कर देता है, तो और भी दिक्कत होती है जो इक्विपमेंट होते हैं जो खुदाई के लिए। इस वजह से क्या होता है कि इसके अंदर आप नहीं जान सकते हैं क्या है, सिर्फ ऊपरी आंकड़ों के द्वारा, सिर्फ फ्रिक्वेंसी उसके जो भूकंप के कंपन होते हैं उनके द्वारा, लावा के द्वारा मतलब जाना जाता है। एक चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि वैज्ञानिकों ने यह भी इसमें बताया था कि जब क्या हुआ था कि जब परमाणु टेस्ट हो रहा था, ठीक है, जब हर देश परमाणु बम बना रहा था, टेस्ट हो रहा था, उस दौरान क्या होता है कि यहां पे बहुत ज्यादा कोर को भी इफेक्ट होता है, मतलब इफेक्ट मिलता है, क्योंकि जब यहां पे परमाणु बम फोड़े जाते हैं इसके जो कंपन होता है इसके कोर तक पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसका कोर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है, वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है। लेकिन यह तो बात हो गई कि कोर क्यों घूमता है, ये लोहे का बना है, ठीक है, घूमता है और 70 साल बाद ये पूरा चक्कर पूरा करता है और 2040 में आपको पता है कि उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर देगा। लेकिन अब बात करते हैं कि कोर क्यों घूमता है, ठीक है, वैज्ञानिक दोस्तों आज भी इसके पीछे बहुत ज्यादा हैरान है। देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हम क्लियरली बता सकें, कोई प्रैक्टिकल डेटा नहीं है इसको देख के हम बता सकें, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी और अनुमान है, ठीक है, और जब तक चीजें थ्योरी है उसको हम 100% सही नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने यहां बताया है और मैं भी कुछ इसमें ऐड करूंगा कि क्यों ये कोर घूमता है। एक बात समझिए कि धरती जो यहां पे जो धरती है इसकी सतह पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता जाता है। और जाहिर सी बात है जब आप इस कोर के पास पहुंचेंगे तो यहां पर क्या है, ग्रेविटी कितनी है, जीरो है। ये तो सबको पता है, आप सबको, हम सबको पता है। अब वैज्ञानिक क्या इसे बताते हैं, वैज्ञानिक ये मानते हैं अपना वो मतलब चीज बताते हैं कि जो यहाँ के जो बीच के जो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा दबाव होता है, ठीक है, एक तो प्रेशर होता है, मटेरियलिस्टिक प्रेशर होता है क्योंकि जो भार का प्रेशर होता है, दूसरा किसका प्रेशर होता है, गुरुत्वाकर्षण का प्रेशर होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और ये पूरी तरीके से किसके बने हैं, मेटल्स के बने हैं, इनकी हीट बहुत ज्यादा है, इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटी जीरो है यहाँ पे, बहुत ग्रेविटी बहुत कम होती है और टेम्परेचर बहुत हाई है, मेटल्स के बने हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रोटेट करने लगते हैं। हाँ, इसमें इनकी मदद बहुत ज्यादा मिलती है ग्रेविटी की और प्रेशर की, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी जो जीरो होता है इसमें काफी ज्यादा इसको हेल्प मिलता है, जिसकी वजह से ये अलग हो पाते हैं और इनके मटेरियल की वजह से भी इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, जो कोर पूरी धरती से अलग होकर ये स्पिन करने लगता है, इनमें भी ये वजह हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से हमारे जो धरती का कोर है वो उल्टा घूमेगा। इससे पहले आपने देखा ही था कि हमारे धरती के कोर में क्या था, वहां पे भी पानी पाया गया था, मतलब समुद्र के नीचे तल पे भी पानी पाया गया था, जो कि हमारे जो समुद्र में पानी उससे लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा था। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।